हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टेंडर ये ऐसे इंटरप्रीनर uh, के लिए है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के लिए है जो कि मार्केट में अभी नया स्टार्टअप किए हैं जिनको नया बिजनेस चाहिए एक स्टार्टअप चाहिए उनके लिए है और लाइक like ओबियसली जो पुराने हैं वो भी इसमें ईजिली uh, जो है ये टेंडर पा सकते हैं बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट का है सोलह लाख चौबीस हजार का ये टेंडर है लिंक और इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है ज़्यादा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है आसानी से सभी लोग प्रोवाइड कर सकते हैं राइट इट्स ऑल अबाउट कि आपका टेंडर में फाइनेंशियल बिड में टेक्निकल बिड क्वालिफाई होने के बाद फाइनेंशियल बिड में आप कितना सस्टेन कर पाते हो तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें जो है ये टेंडर Uh, में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक टेंडर एनालिसिस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी तरह का टेंडर हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रोड रिलेटेड हो या फिर किसी भी तरह का राइट रियल इस्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई भी मटेरियल uh, सप्लाई के लिए हो या कोई सेल्स का अगर आपका Uh, है मटेरियल आप सेल करते हो उसके लिए है तो किसी भी तरह का टेंडर आपको अगर चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा राइट अपडेट सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन फ्रेंड्स क्विकली सो so, यहाँ पे देखिए यूपी कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन लिमिटेड सो ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यूपी के ही जो है बिजनेसमैन या फिर स्टार्टअप या कोई कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर पाएंगे अदर स्टेट अदर रीजन के भी कॉन्ट्रैक्टर इसमें अप्लाई कर पाएंगे तो वर्क क्या है फ्रेंड्स वर्क यहाँ पे देखिए क्या है चैन लिंक जो फेंसिंग होता है चार दीवारी पे फेंसिंग जो होता है उसका यहाँ पे टेंडर निकला है यहाँ ये देखिए ईमेल आईडी दिया गया है प्रखंड खंड ऑफिस प्रखंड ऑफिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फोर बाय फोर सेकेंड फ्लोर विशेष खंड गोमती नगर लखनऊ यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है यहाँ पे हेड ऑफिस का डिटेल दिया गया है ओके सो ये जो है टेंडर आप देख पाएंगे ईएमडी अमाउंट क्या होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आपको पहले भरना होता है जो कि बाद में आपको रिफंड हो जाता है राइट सो so, ये आपको जो है ईएमडी अमाउंट ऑनलाइन डीडी के थ्रू आप जमा कर सकते हैं फिजिकली या ऑनलाइन भी कर सकते हैं राइट यूपी कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन लिमिटेड पेबल एट लखनऊ राइट सो so, इसमें और क्या है आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली है सो डिटेल्स एस्टिमेशन प्रोस यहाँ पे देखिए चैन लिंक फेंसिंग फॉर द गो गौ संरक्षक केंद्र uh, सिंहपुर इन uh, हाउना डिस्ट्रिक्ट अमीठी अमीठी में जो है गौ संरक्षण केंद्र है उसके चारों तरफ जो है वो जो चैन की जो है क्या बनानी है फेंसिंग uh, बनानी है चारों तरफ राइट सो इसमें यहाँ सोलह लाख चौबीस हजार का ये टेंडर रिलीज किया गया है और दो महीने में आपको ये कंप्लीट करना है जब टेंडर इश्यू हो जाएगा तो दो महीने में आपको ये टेंडर कंप्लीट करना है बत्तीस हजार चार सौ अस्सी रुपया जो है आपको एडवांस मनी डिपॉजिट जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है ये आपको जमा करना होगा पांच सौ रुपया टेंडर फी है जो कि नॉन रिफंडेबल ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा और बिड स्टार्ट होगा आपका चौदह जनवरी से लास्ट डेट सबमिशन है उन्नीस जनवरी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों जमा कर सकते हैं चौदह जनवरी से मतलब आज से टेंडर स्टार्ट हो चुका है तो कल तो संडे है मंडे ट्यूसडे लाइक उन्नीस जनवरी तक आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं सबमिट कर सकते हैं और उन्नीस तारीख को ही दो बजे ई टेंडर ओपन हो जाएगा दैट मीन्स जो आपका टेक्निकल बीड है जिसमें टेक्निकल बीड में क्या होता है फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा जो जो ये डॉक्यूमेंट मांगा है वो वो डॉक्यूमेंट आपका पूरा कंप्लीट है या नहीं जब टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो जाएंगे दैट जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है उसमें अगर आप पास हो जाएंगे तब आपका फाइनेंशियल बिट स्टार्ट होगा राइट सो फाइनेंशियल तब से स्टार्ट होगा तो फाइनेंशियल जब टेक्निकल में बिल्कुल हो जाएंगे देन फाइनेंशियल बिड का आपको टाइमलाइन दिया जाएगा राइट right? बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सो so, आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत आसान डीडी uh, uh, चाहिए ओरिजिनल कॉपी कॉपी ऑफ द सॉल्वेंसी एंड करेक्टर सर्टिफिकेट कंपनी का जो भी आपका रजिस्टर कंपनी है या कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका चार करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जीएसटी नंबर चाहिए आराम से हो जाएगा पैन कार्ड ये भी हो जाएगा ई ई टेंडर टेंडर फॉर्म फॉर्म आपको आराम से मिल जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने आ, फेंसिंग किया है या आप कॉन्ट्रैक्टर आप घर भी बनाते हैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसका भी यहाँ पे जो है आपका सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम कर जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मेंशन नहीं है कि दस करोड़ का चाहिए पांच करोड़ का चाहिए आपका एटलीस्ट जो है यहाँ पे यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट बीस पच्चीस लाख का या दस लाख का या पांच लाख का भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लगा दीजिएगा राइट फ्रेंड्स सो आप यहाँ पे राइट उन्नीस जनवरी तक सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा फिजिकली या फिर ऑनलाइन uh, ओके सो so, कोई भी डाउट हो तो आप मेल कर सकते हैं या आप जब ये प्रोसेस करेंगे तो उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर जो है पूछ लीजिएगा कोई भी डाउट है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so, फ्रेंड्स मिलते हैं नए टेंडर के साथ थैंक यू एंड विश यू लाइक यू नो कि आपको uh, टेंडर मिल जाए राइट गुड लक थैंक यू